सुइन यू को धमकी देता है कि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम चैन से नहीं जी पाओगे, लेकिन यू उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। नीचे जो दवाई पड़ी थी वो उठा के सुइन की ओर फेंकता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए या फिर तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। लेकिन सुइन गुस्से से वो यू की ओर फेंकता है कि इसे तुम ही इस्तेमाल करो। यू वो अवॉइड कर लेता है और गुस्से से सोचता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसमें जियान सुलिन की ही गलती है, नहीं तो फिर वैसा कुछ होता ही नहीं। और वो कहता है कि मेरे भैया को फोन लगाओ और उसे कहो कि तुम्हें एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए तुम्हें बेजिंग वापस जाना होगा। मैं अभी एक गाड़ी अरेंज करता हूँ जो तुम्हें एक दूसरे होटल में ले जाएंगी और फिर यहाँ पे मैं बाकी का सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सुइन समझ गया। वो सोचता है कि उसे इस बात का डर लग रहा है कि उसके बड़े भाई को इस बारे में पता ना चले। और वो यू को मेंटली परेशान करने की सोचता है कि अब तो मैं तुम्हें टेंशन दे कर ही मारूंगा। वो ये सोचता हुआ यू के सामने आ गया और कहता है कि तुम मुझे कहाँ पे जाने के लिए कह रहे हो। अरे हाँ, अभी मुझे तुम्हारे भाई को कॉल लगाना है और उसे बताना है कि उसके बेबी ब्रदर ने मेरा रेप किया है। मुझे कॉल लगाना चाहिए ना? कैसा रहेगा तुम उससे शादी कर लो? यू गुस्से से कहता है कि तुम जा रहे हो या नहीं। और वो सोचता है कि जियान सुइन को जरूरी अभी मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहे होंगे कि दूसरों को पता चल गया तो क्या होगा। सुइन कहता है मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, तुम अपने भाई को यहाँ पे बुला के लाओ। हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे, अगर तुमने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और वहाँ पे सीन खड़ा करूंगा। यू कहता है जैसे ये बात लीक हुई कि डायरेक्टर जान किसी लड़के के साथ सोया था तो फिर ये न्यूज पूरे बीजिंग में आग की तरफ फैल जाएगी। क्या तुम इतना ज्यादा फेमस होना चाहते हो? सुइन कहता है मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलते हैं, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और तुम हो एक बेस्ट। यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सुइन कहता है ये कैसा रहेगा, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? यू पूछता है अब तुम क्या चाहते हो? सुइन कहता है सिंपल बात है, तुमने जो मेरे साथ किया था मुझे भी वो तुम्हारे साथ करने दो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। यू उसके लिए मना कर देता है। तभी यू के बड़े भाई का कॉल आने लगा। यू फोन उठाने में हेजिटेट कर रहा था तो सुइन उसे टॉन्ट मारता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुमने जो किया है उस बात की जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। लेकिन यू सुइन की ओर मोबाइल फेंक देता है कि तुम उठाओ। सुइन यू पे गुस्सा करता है और फिर फोन उठाने के बाद वो यू के बड़े भाई ली शुआन से नॉर्मल ही बात करता है। यू ने उसे पहले कहा था ना कि मेरे भैया को फोन लगा के बता दो कि तुम्हें अर्जेंटली वापस जाना होगा, तो फिर सुइन ने भी अभी ली शुआन को फोन पे वही बता दिया कि उसे अर्जेंटली वापस जाना होगा। ली शुआन ने भी कहा कि अगर इतना ही अर्जेंट काम है तो फिर जल्दी से वापस जाओ, वो लैंड प्लॉट तो वहीं पे ही रहेगा, तुम बाद में भी देखने आ जाना। सुइंग उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरे भाई को यहाँ पर ही रहने के लिए कह देना और उसे कहना कि वो तुम्हारे साथ जमीन देखने आए और वापस आके मुझे रिपोर्ट दे। और हंसते हुए कहता है कि चलो भाई एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बदले में मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ बीजिंग ले जा रहा हूँ। और उसने सुलिन को भी मैसेज में वो बता दिया। तभी यू उसके लिए कपड़े लेके आया तो वो यू से पूछता है कि कल तुमने और सुलिन ने क्या बातें की थी। यू कहता है कि अब तुम्हें ही उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। मतलब बीच पे सुइन यू को किस कर रहा था वो सुलिन ने देख लिया था।